जनपद बुलंदशहर की तहसील सियाना में संपूर्ण समाधान दिवस के दिन उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर तहसील सियाना के लेखपालों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के नाम SDM सियाना सुभाष सिंह को ज्ञापन दिया। सियाना क्षेत्र के लेखपालों ने एकत्रित होकर सियाना में धरना प्रदर्शन किया और संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया। लेखपालों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। ना जो हमारा ये यहाँ पर हमने धरना स्थल पर हम यहाँ पे अड़े हुए हैं, इसकी कुछ हमारी मांगे हैं जो होते मूलभूत हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके नाम पे हमारे कुछ नहीं है। शासन के काम कराने की प्रवृत्ति तो ऐसा है कि शासन का हमको अभिनंदन मानती है, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बहुत ही अभाव है। हमारे तहसील में या अन्य तहसील में भी कई महिलाएं लेखपाल हैं जिनके लिए एक बिल्कुल शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, तो ये चीज़ उसको प्रताड़ना महसूस करते हुए आज ये संकेतात्मक एक धरना हमारी लेखपाल जिला कार्यकारिणी ने यहाँ पर दिया है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर बैठे हैं। आज तहसील दिवस का हमने बहिष्कृत किया है पूरी तरीके से और अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन माननीय सचिव महोदय को हमने SDM साहब के माध्यम से हम इनको 2 बजे उपलब्ध कराएंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग जो है शुरुआती तो ये है कि ये जो हम बच्चों पे आए जाती आवेदन प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं उनके लिए 5 रुपये प्रति आवेदन हमें भत्ते की स्वीकृति काफ़ी समय पूर्व माननीय महोदय द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, लेकिन कई वर्षों होने के उपरांत भी हमें 1 रुपये उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारे जो भी पेंशन विसंगति हैं जो सेवानिवृत्त साथी हैं उनकी पेंशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी जो दिव्यांग है विकलांग जो हमारे साथी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो जो हमारी पेंशन विसंगति है उसको सुधारा जाए। वो सबसे मुख्य जो उनमें है वो ACP हमारे जो साथी हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं अभी उनमें 2 प्रकार का ग्रुप बन गया है, एक तो 16 वर्ष की आयु करने के बाद 28 ग्रेड में पा रहे हैं और एक 16 वर्ष करने के बाद 22, तो उन सब में भी एक बड़ी विसंगति है जिसको संदर्भी शासन को करा दिया गया अनेकों बार, लेकिन उसका आज तक कोई भी ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना आज एक संकेतात्मक धरना है, सिर्फ आज हम शासन को बता रहे हैं कि अगर आज का हमारा धरने में जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको अगर आप पूर्ण नहीं करते हो तो 17 मार्च को पूरा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के 32,000 लेखपाल साथी एक साथ एक सर आंदोलन के रूप में समग्र धरने पे बैठेंगे, और तो आज ये संकेतात्मक धरना शाम 4 बजे तक 17 मार्च का धरना आयोजित किया जाएगा। 17 मार्च का धरना आज संकेतात्मक धरना तहसील मुख्यालय पर है, और 17 मार्च का अगर ऐसा होता है भविष्य में हमारी मांगे पूर्ण नहीं की जाती हैं तो वो धरना जिला मुख्यालय पर हम इसका क्रियान्वयन करेंगे।